महत्वपूर्ण रोल होता है संसद में, उन्हें आवाज़ उठानी पड़ेगी। तीसरा, कहीं ना कहीं चुनावी राजनीति से निकल के बाकी पार्टियों को, क्योंकि भाजपा तो चुनावी राजनीति करती ही पोलराइजेशन की, बाकी पार्टियों को चुनावी राजनीति से निकल के देश को बचाने की राजनीति में आना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अगर ये होगा तो इसमें हर किसी का नुकसान है। आपने देखा जहांगीरपुरी में, वहाँ पे गणेश और रंजन झा जी के भी दुकानें तोड़ दी गई, टारगेट मुसलमानों करना चाह रहे थे, कुछ हिंदू दुकानें भी लपेट ली गई उसमें। तो ये क्या नाम होगा आपका? राहुल कपूर। कहाँ से पढ़ाई करते हैं, क्या करते? जी जामिया से PhD कर रहे हैं। PhD कौन से विषय में कर रहे हैं? जेंडर स्टडीज। तो जो आज सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ और बोल्डेजर राजनीति के खिलाफ धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसके उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश में लगातार इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है। भाजपा सरकार एक माहौल बना रही है मुसलमानों के खिलाफ। आप उनके घरों पे बुलडोज़र चला देते हैं, उकसाने वाले नारे लगाते हैं, मस्जिदों के सामने भगवा चोला ओढ़ के वहाँ पर भीड़ जाती है, जिनके हाथ में कट्टा होता है, तलवार होती है। एक माहौल बनाया जा रहा है देश में मुसलमानों के खिलाफ, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, इस्लामोफोबिया बढ़ाया जा रहा है। इसके खिलाफ में और देश में शांति, भाईचारा, आपसी सौहार्द के लिए हम लोग आज यहाँ पे इकट्ठा हुए थे, जिसमें मैंने भी अपना योगदान दिया और यहाँ पर आए। देश में जामिया जो यूनिवर्सिटी है उसको एक अलग नज़रिए से देखा जाता है, जो आज की पार्टी है, और हिंसा भी हुई थी जामिया में पिछले साल, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे जिस नज़रिए से देखा जाता है? जामिया में आप पढ़ाई करते हैं, किस हिंसा की बात आप कर रहे हैं? जो पुलिस ने करी थी हमारे भाई बहनों पर घुस के लाइब्रेरी में, तो हिंसा तो उन्होंने हम पे करी थी ना। हिंसा तो हम पे हुई है, हिंसा तो जामिया के छात्रों पे हुई है। आज भी जामिया के छात्र कितने जेल में, उस समय एक जामिया के छात्र की आंख फूट गई, कितनों के हाथ पैर टूट गए, आज तक क्या किसी को कॉम्पनसेशन मिला? सिर्फ इसलिए क्योंकि जामिया एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आप उसको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरीके आप जहांगीरपुरी को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, शाहीन बाग को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो मुस्लिम बहुल इलाके हैं। आपको पता है खारगांव हिंसा में जो मध्य प्रदेश में हुई थी, वहाँ पर एक वसीम शेख नाम के आदमी को पत्थरबाज और आतंकवादी कहकर उसकी छोटी सी दुकान जो होती है, जिसमें आप ये कहिए कि वो क्या कहते हैं, फ्रूटी बेच लेते हैं, दालमोट के पैकेट बेच लेते हैं, उसे तोड़ दिया गया। बाद में ये पता चला कि ये जो व्यक्ति है 2005 में ही करंट लगने की वजह से इसके दोनों हाथ चले गए, तो ये आदमी कैसे पत्थरबाज हो सकता है? ऐसे मुसलमान व्यक्तियों पे आपने FIR डाल दी जो कि पहले से जेल में है, तो वो कैसे हिंसा के लिए बाहर आ सकते हैं? आप देखिए देश में गोदी मीडिया कैसे इस समय लगातार हिंसा फैलाता है, कैसे वो अमन चोपड़ा ने, न्यूज़ 18 वाले ने कोशिश करी दिखाने की, जब अलवर राजस्थान में जब एक मंदिर टूटा गया जो कि BJP की ही नगर पालिका है, वहाँ पर उनके ही आदेश से टूटा, लेकिन आप उसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं मुसलमान से कि जहांगीरपुरी में मस्जिद टूटा। पहली बात तो जहांगीरपुरी में वो मस्जिद के आगे की वॉल क्यों टूटी? क्या सैनिक फार्म्स में आप जाके कभी तोड़ते हैं? क्या गोल्फ लिंक्स में तोड़ते हैं? क्यों? क्योंकि वहाँ पे अमीर रहते हैं, वहाँ पे नेता रहते हैं, वहाँ पे बिजनेसमैन रहते हैं, पूंजीवादी रहते हैं, आप वहाँ कभी नहीं तोड़ते। आप यहाँ गरीबों की दुकानें, गरीबों की गुमटियाँ, मुसलमानों के घर, आप वो तोड़ना चाहते हैं, क्यों तोड़ना चाहते हैं? मुसलमान इस देश का उतना ही नागरिक है जितना इस देश का हिंदू नागरिक है, उसका देश की फ्रीडम में, उसका देश की आज़ादी में उतना ही योगदान है, देश के डेवलपमेंट में उतना ही योगदान है। तो ये जो कोशिश करी जा रही है मुसलमानों को सेकेंड क्लास सिटीज़न बनाने की, उसके विरुद्ध हम खड़े हुए। लगातार महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, फिर भी इस तरह की राजनीति हो रही है, युवा कहीं ना कहीं इसमें भागीदारी हो रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं तो कह रहा हूँ कि देश में अगर कोई मुद्दा है तो आप ये देखिए, युवाओं के लिए रोजगार का मुद्दा है। अभी आपने देखा होगा कल एक रिपोर्ट आई जिसमें कितने सारे युवाओं ने अब उम्मीद ही छोड़ दी है जॉब मिलने की, क्योंकि कोई जॉब है ही नहीं। जब देश के प्रधानमंत्री खुद ही बोलेंगे कि पकौड़े का ठेला लगा लो, तो कहाँ से उम्मीद रहेगी? अच्छा, दूसरी बात, पकौड़े का ठेला कोई लगा भी लेता है तो आप फिर गरीबों की दुकानों पर, ठेलों पर बुलडोजर चला देते हैं। कोरोना महामारी में भी यही हुआ ना, कितने ठेले पलट दिए पुलिस ने, कितने लोगों के ऊपर अत्याचार हो गया, गरीबों के ऊपर अत्याचार हो गया, कितनों की सब्जियों की रेड़ियाँ फेंक दी गई। अब फिर से आप वो काम जहांगीरपुरी में शुरू कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, फिर आप कह रहे हैं हम शाहीन बाग में करेंगे क्योंकि वो मुसलमान बहुल इलाका है। तो ये मुसलमानों को एक डराने की कोशिश है, देश में धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश है। ये मैं नहीं चाहता कि हो, मैं चाहता हूँ देश में सद्भावना हो, मैं चाहता हूँ कि देश में भाईचारा हो। ये जो भी चीज़ें हो रही हैं इसमें बदलाव किस तरह होगा? देखिए, एक तो सड़क पे आंदोलन करना होगा, जिस तरीके से आज यहाँ प्रोटेस्ट थे, यहाँ पे लोग आए, मैं भी शामिल हुआ, हम आम नागरिक को होना चाहिए। दूसरा, विपक्ष का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है संसद में, उन्हें आवाज़ उठानी पड़ेगी। तीसरा, कहीं ना कहीं चुनावी राजनीति से निकल के बाकी पार्टियों को, क्योंकि भाजपा तो चुनावी राजनीति करती ही पोलराइजेशन की, बाकी पार्टियों को चुनावी राजनीति से निकल के देश को बचाने की राजनीति में आना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अगर ये होगा
तो इसमें हर किसी का नुकसान है। आपने देखा जहांगीरपुरी में वहाँ पे गणेश और रंजन झा जी के भी दुकानें तोड़ दी गई, टारगेट मुसलमानों करना चाह रहे थे, कुछ हिंदू दुकानें भी लपेट ली गई उसमें। तो ये जो एक माहौल है इससे हर किसी को नुकसान है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो सिख ईसाई हो, इसलिए इस माहौल के खिलाफ हर किसी को सड़क पर उतरना होगा। सबसे बड़ी बात, अब आप और शांत नहीं रह सकते, आपको बोलना होगा। इस देश में जो गलत हो रहा है गलत को आँख में आँखें डालकर आपको बोलना होगा कि गलत। जामिया यूनिवर्सिटी से राहुल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तमाम अपडेट के साथ बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।